हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। इंडिया में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती है, कुछ बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो कुछ रह जाती है फिसड्डी। इन फिल्मों को बनाने में अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। फिल्मों में स्टार्स जो पहन लेते हैं वो फैशन ट्रेंड बन जाता है, और भाई हो भी क्यों ना, उनके कपड़ों को बनाने के लिए टॉप डिजाइनर्स रखे जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्म के गाने में एक्ट्रेसेस 5 से 6 कपड़े बदल लेती हैं। कई बार आपके दिमाग में आया भी होगा कि आखिर फिल्मों की शूटिंग के बाद इन कपड़ों का क्या होता है, क्या वो सब अपने साथ ले जाते हैं। लगता तो हमें भी ऐसा ही था, लेकिन अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में उन कपड़ों का क्या होता है। अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका ने अंजू मोदी की डिजाइनर ड्रेसेस पहनी थी। देखने में तो काफी अच्छी लगी, लेकिन वो ड्रेसेस ऐसी थी कि इंसान पहन के चले या खुद को संभाले। लेकिन फिर भी इतनी कॉस्टली ड्रेसेस कहाँ गई? तो बता दें आपको कि प्रोड्यूसर अपने खास कपड़े रख लेते हैं, वो प्रोडक्शन हाउसेस की संपत्ति हो जाती है। उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउसेस की कोई दूसरी फिल्म बने तो उसमें उन कपड़ों को मिक्स और मैच करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना ने भी ऐसा ही एक ड्रेस पहना था। फिल्म बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का शर्मा ने भी एक ग्रीन कलर का डिजाइनर गाउन पहना था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उन कपड़ों को नीलाम कर दिया जाता है और उससे मिले पैसे किसी चैरिटी को दान कर दिए जाते हैं। एक फिल्म आई थी कम्बक इश्क, उसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर का साथ में एक गाना था, संदली बदन वाली है। उस गाने में करीना कपूर ने एक ड्रेस पहनी थी जिसके बारे में खबरें थी कि वो ड्रेस 8 लाख रुपए की है। अब भाई 8 लाख में तो एक मिडिल क्लास फैमिली की गृहस्थी बच जाए। तो बता दें आपको कि टीवी प्रोड्यूसर राजन शाही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम एक सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, इस्तेमाल के बाद वो सारे कपड़े उनको लौटा दिए जाते हैं, कपड़े रिपीट नहीं किए जाते ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। खास ओकेशन जैसे शादी वगैरह के लिए हम पहले से ही कपड़े सिलवा लेते हैं। तो देखा आपने कि आखिर इन कपड़ों का क्या होता है। वेल, ये तो बात हुई सास के कपड़ों की, लेकिन हम आपको ऐसी ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।